भाई ये क्या है यार, देखो यार क्या खतरनाक लग रहा है भाई साहब, क्या एनिमेशन दिखा रहा है, जैसे गेम खोले ये एक आ गया, मगर ये है का यार भाई, ये फेडेड बिल में आया हुआ है और ये तो एक लेजेंडरी बंडल है भाई, एकदम लाल लाल दिख रहा है, क्या खतरनाक है। अबे यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन भी है, मतलब इसका अंदर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा भाई साहब। ये देखो ये लाल वाला, ये तो नॉर्मल है, और ये लाल वाला, ये पीला वाला, और ये ब्लू, और ये पर्पल, मतलब सब सही है। और ये क्या यार, इमोट भी है इसके साथ साथ भाई, क्या मस्त इमोट है ये, क्या कैसा इमोट है भाई साहब, मतलब इतना सारा इमोट, और भाई क्या खतरनाक इमोट है यार कसम से। ये देखो, और ये लास्ट वाला एंट्री इमोट लगता है, ये इफेक्ट भी है इसमें, मतलब बहुत चीज है यार। ये हुई ना लेजेंडरी बंडल वाली बात, मेरे ख्याल से आज तक का सबसे बेस्ट लेजेंडरी बंडल यही है यार, अभी तक खतरनाक। चलो तो फेडेड बिल में हम लोग सबसे पहले कोई दो चीज हटाना है ना, तब ना कुछ निकाल पाएंगे। देखो क्या लाल लाल लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हटा है, नीचे ये हटाते हैं और एक ये हटाते हैं, ये दोनों बकवास है, बाकी तो सब लगभग ठीक है, मतलब इतना में से बस एक ही चीज ठीक है जो कि बंडल है। चलो सबसे पहले 9 डायमंड का स्पिन मारे हैं, और हमको पता है कि शुरुआती में तो नहीं निकलेगा यार, शुरू में तो बंडल निकलना ही नहीं है, हमको पता है। चलो पहला स्पिन में तो नहीं निकला, अब 19 डायमंड का स्पिन मारते हैं, ये 19 डायमंड में भी नहीं निकलेगा, तुम लोग देखते जाओ, गेरीना अभी मेरे को बहुत काटेगा। और इसमें शायद टोकन वोकन निकल जाए इसका, थोड़ा सा 5 टोकन दिया है यार, क्या बताए। चलो अब मारना है हम लोग को 39 डायमंड का स्पिन, और इसमें भी नहीं निकला भाई यार, क्या दे रहा है पता नहीं यार, 69 डायमंड का स्पिन आ रहा है यार, इतने में निकल जाए यार, अभी 2000 डायमंड है, मगर मेरे को लगता है कि इसमें 15-20 हजार डायमंड लग जाएगा यार सब निकालने में। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन निकाल के, ये देखो यार अब तार दे रहा है, बताओ इतना अच्छा से कॉन्ग्रेचुलेशन निकाल के अब तार देता है, कैसे काम चलेगा। चलो इसको हटाओ, अब हम लोगों को कितना का स्पिन मारना है, 99 डायमंड का स्पिन मारना है, और इसमें शायद बंडल का आशा तो रखना नहीं चाहिए भाई यार, एक आगे बढ़ गया यार, क्या बताए। चलो 149 डायमंड का स्पिन हम लोग को मारना है, और क्या इसमें हम लोग का निकलेगा बंडल, इसमें भी नहीं निकला बंडल, ये खाना दे रहा है यार, कुत्ता का खाना देगा मगर बंडल नहीं देगा। चलो 199 डायमंड में स्पिन मारे, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये निकला अवतार बैनर, अवतार तो पहले निकला था, इस बार बैनर निकल गया है, बताओ मतलब ऐसे तो देगा नहीं गिरना। अब लास्ट 499 का स्पिन आ गया है, और इस बार तो कंफर्म निकलेगा, और ये रहा कॉन्ग्रेचुलेशन, और देखो क्या बंडल लग रहा है यार कसम से, एकदम खतरनाक लग रहा है, ये जो हाथ का टाइटू वगैरह तो देखो यार क्या लग रहा है बंडल यार कसम से यार। चलो इसको ओपन कर देते हैं, ये बंडल तो सही है, अब इसका कस्टमाइज करना है हम लोग को, तो सबसे पहले कस्टमाइज में जाते हैं और देखते हैं कि कितना डायमंड लगने वाला है अभी। भाई यहाँ पे 100 का भाई एक में तो 100 दे रहा है, बताओ यार कहाँ से लाएंगे इतना, अभी मैं बस 5 टोकन है, मतलब 400, 500, 600, 600-700 मांग रहा है यार, और देखो एक बंडल निकालने में 850 डायमंड मांग रहा है भाई, इतना कौन लूटता है यार इतना ज्यादा, और इसको एक क्रेट खोलने का 40 डायमंड भाई कसम से यार, गेरीना बहुत लूटेगा आज, आज बहुत लूटने का मूड में। अभी मेरा आईडी पे 1000 डायमंड है, चलो थोड़ा सा टॉप अप करते हैं, यहाँ पे हम 2000 का रिडीम कोड बनवा लिए हैं, तो भाई यहाँ 1600 का टॉप अप मार देते हैं, क्योंकि 1600 का मारेंगे और उसके बाद मारेंगे हम लोग पूरा 75 क्रेट खोलेंगे, तब हम लोग को बहुत सारा क्रेट निकल गया, टोकन निकलेगा, तब मजा आएगा। चलो टॉप अप तो कर दिया, और आईडी पे देखो 3200 डायमंड आ गया है, चलो अब क्रेट खोलते हैं, यहाँ आ गए हम लोग क्रेट खोलने के लिए, और ये रहा 1-2 क्रेट तो हम लोग खोलेंगे नहीं, तुमको पता है हम लोग जब भी खोलते हैं टोटल खोलेंगे 75 क्रेट, जो कि मैक्स टू मैक्स होगा, जिसमें 2400 डायमंड लगता है, क्योंकि 74 पे 2800 मांगेगा, 75 पे 2400, तो हम पागल है क्या 74 खोलेंगे, यहाँ खोले 75 क्रेट, और इसमें देखते हैं कितना निकलेगा, 290 टोकन, मतलब कि लगभग 3 चीज हम लोग खोल सकते हैं 3 बंडल। चलो देखते हैं क्या 3 बंडल क्या खोल पाएंगे हम लोग, तो अभी और टॉप अप करेंगे यार, टेंशन की हर एक चीज का निकाल लेंगे हम लोग, तुम देखते जाओ बस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 100 डायमंड का, ये लाल वाला सही है क्या, ये पीला वाला नहीं यार, ये पीला वाला बकवास लग रहा है, ये पर्पल वाला भी नहीं है, हम लोग ये लाल वाला निकालेंगे, ये लाल वाला सही है, अभी ये पहला बार में ये लाल वाला निकालना है, और
ओ भाई ये ला इमोट भी निकल गया साथ में। भाई सही है यार, ये ला इमोट इसके साथ फ्री मिल गया। और सेकेंड में हमको वो ला इमोट चाहिए। हाँ ये ला, मतलब इसके लिए भी एक बंडल निकालना पड़ेगा। तो ये पीला वाला तो नहीं निकालेंगे, ये भी नहीं। हाँ ये पर्पल वाला, ये सही लग रहा है यार। चलो तो इसको निकाल लेते सेकंड में। दूसरा मैंने निकाला और मेरे ख्याल से दूसरा इमोट भी मिल जाएगा। ये देखो ये ला इमोट मिल गया हम लोग को। भाई कसम से यार, देखो क्या लग रहा है ये लमोट, खतरनाक एकदम। ये हुई ना बात लेजेंडरी बंडल वाली। तो अब तीसरा के लिए हम लोग को 5 टोकन चाहिए यार। और ये ला इमोट निकलेगा, देखो क्या खतरनाक इमोट है। मतलब कि थोड़ा बहुत टॉप अप तो करना ही पड़ेगा यार, क्या बताया इतना कौन काटता है। मैं टॉप अप करने से पहले ये जितना भी है ना, मैं बस डायमंड सबका क्रेट खोल देते हैं। इतना तो नहीं निकलेगा ज्यादा कुछ, हमको पता है। चलो 420 में देखते हैं कितना क्रेट निकलेगा। अभी 50 क्रेट इसमें दिया है। चलो ये तो सही है, एक बड़े और शायद हम लोग खोल सकते हैं। तो यहाँ 420 का और खोले, 55 देते इसमें, 55 प्लीज। अबे यार 50 ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अभी 195 हुआ होगा। ये देखो ये टॉप अप इवेंट भी रखा हुआ है यार। चलो इसको क्लेम कर लेते पहले। ये देखो ये लोमड़ी का स्किन है भाई, सबका सब स्कॉर्पियन जैसा लग रहा है। वो जो लाल वाला थीम पे है ना, सबका सब वैसा ही है। चलो इसको भी हम लोग क्लेम कर लेते हैं। चलो तो अब थोड़ा सा डायमंड का हम लोग टॉप अप कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आईडी पे मेरा 530 डायमंड आ गया है। चलो अब फिर से हम लोग क्रेट खोलने वाले हैं। यहाँ हम लोग एक दो क्रेट नहीं, 13 क्रेट खोलेंगे, क्योंकि 13 क्रेट पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा ना। ये देखो 420, मतलब 100 डायमंड का डिस्काउंट दिया है। और इसमें 52 टोकन निकल गई यार। ऐसे 50 निकलता था, इस बार 52 निकला है। चलो देखते हैं कितना टोकन हुआ है पूरा मेरे पास। इस बार तो बहुत सारा, 247 टोकन हो गया। मतलब दोनों का दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये पीला वाला सही लग रहा है यार। तो ये पीला वाला निकालते हैं। देखो सबका सब पीला वाला निकल गया है। और इसके साथ देखो ये वाला इमोट भी निकल गया। भाई ये फेवरेट इमोट है यार, ये गजब का इमोट लग रहा है। ये देखो भाई पूरा लाल लाल गिटार बजा रहा है यार, गजब। अब आखिरी बचा है जिसका आखिरी इमोट भी निकलेगा, और ये बंडल के साथ वो इमोट। चलो पहले ये बंडल निकाल लेते जल्दी से। चलो ये बंडल ब्लू वाला निकल गया, और इसके साथ ये ला इमोट। भाई साहब क्या लग रहा है यार कसम से। और ये तो मेरे ख्याल से एंट्री इमोट होना चाहिए। चलो अभी 47 टोकन है मेरे पास, तो इसका नीचे वाला निकालते हैं हम लोग को, कौन अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये दौड़ने वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो इसी को निकाल लेते हैं। ये दौड़ने वाला तो हम लोग निकाल लिए हैं। और ये नहीं सही है उतना, मतलब सब कुछ निकाल लिए यार। ये आगे ला, हाँ ये ला सही है। थोड़ा सा हमको ये अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। भाई इसमें A to Z निकालना है, तो थोड़ा सा टॉप अप तो और करना पड़ेगा ना। भाई तो यहाँ आईडी पे फिर से 100 डायमंड का टॉप अप मार दिए, और 210 डायमंड हो गया है। तो यहाँ हम लोग 210 डायमंड में 6 क्रेट खोल सकते हैं क्या। 6 क्रेट का 240 मांग रहा है यार, टॉप अप करने बोल रहा है। चलो 6 नहीं तो 5 क्रेट तो हम लोग कन्फर्म खोल सकते हैं। तो इस 5 क्रेट में हमको कितना टोकन मिलेगा। 21 टोकन मिला है यार। 21 टोकन में दोनों निकल जाएगा। हाँ 21 टोकन में तो मेरे ख्याल से दोनों निकल जाएगा क्या, या एक ही निकलेगा यार। थोड़ा सा और टॉप अप करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो ये देखो ये ला और ये ला मेडिकेट मारने वाला। तो भाई मेडिकेट मारने वाला कोई खास नहीं है, क्या बताया यार। वैसे तो हमको ये गन वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये गन वाला मेरे साथ ना इफेक्ट जो किल इफेक्ट दिखाएगा वो तगड़ा रहेगा। तो चलो ये गन वाला हम लोग निकालेंगे। चलो तो ये ला भी इफेक्ट हम लोग का निकल गया है। अब बस आखिरी बचा है जिसके लिए हम लोग टोकन का, कितना टोकन चाहिए पहले इसमें, 20 मतलब 8 टोकन तो है। और 120 डायमंड मांग रहा है, मतलब अभी मेरे पास 10 डायमंड है और यहाँ मांग रहा है 120 डायमंड। तो थोड़ा सा टॉप अप और कर लेते हैं, उसके बाद तो निकल ही जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग एक वीकली मार दिया, और मेरा आईडी पे 110 डायमंड हो गया है। और वहाँ कितना मांग रहा था, 120 ना। चलो इसको क्लेम करके पूरा 160 डायमंड हो गया भाई। और यहाँ पे तो 120 मांग रहा था। चलो जल्दी से 120 डायमंड उड़ा देते हैं। और ये लास्ट वाला बोले थे ना सब कुछ निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग A to Z निकाल लिए हैं। आखिरी का 20 पे भी ये वाला इफेक्ट, मेडिकेट मारने वाला भी इफेक्ट को नहीं छोड़े, हम लोग सब कुछ निकाल लिए है। तो तुम लोग कमेंट में बताना तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो यार। चलो पहले बंडल दिखाते हैं कौन कौन बंडल था। देखो किधर गया ये एंट्री इमोट, कौन वाला था हम लोग का, ये ला भाई ये ला एंट्री इमोट है। देखो क्या खतरनाक लगेगा। सच बताए तो मेरे को सबसे अच्छा बंडल यही लगा यार, इसमें बहुत कुछ मिला है। और इसके साथ देखो कितना सारा इमोट भी दिखाते तुमको। ये देखो ये पहले वो है जो कपड़ा चेंज नहीं करता है, इबो बंडल जैसा वो है, लुक चेंजर। और इसके साथ इमोट भी 2-3 तो सब मिला है। तुम लोग बताओ यार, सच बताओ कि तुम लोग को ये बंडल देखने में कैसा लगा। लुक भी इसका खतरनाक है, और इसका इमोट तो एक से एक है यार। देखो ये चाय वाला कप वाला इमोट, ये तो एकदम परफेक्ट है। बिच्छू देखो चाय मिला रहा है।
बताओ। और इसके साथ एक और इमोट है, वो भी तगड़ा था। और इसका बंडल देखते हैं थोड़ा सा, बंडल का लुक भी मतलब बहुत अच्छा है। किधर गया यार, अबे इसी में तो दिखाएगा। हाँ देखो, ये मतलब ये नॉर्मल है, और ये रेड वाला है, ये पीला वाला है, ये स्काई वाला है, मतलब सब कुछ है यार। बस तुम लोग को बताओ यार, तुम लोग को ये वीडियो और ये बंडल वगैरह, इसका इमोट वगैरह, एनिमेशन वगैरह, मतलब पूरा का पूरा इसका लुक तुम लोगों को कैसा लगा है? पूरा का पूरा ये बंडल तुम लोगों को कैसा लगा है? और अच्छा लगा तो तुम लोगों को मेरे को कमेंट में बताना यार, और बोलो तो हम इसका गिव अवे भी कर देंगे, तो वो भी कमेंट में बताना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।